मैं बना रही हूँ ब्रेड पकौड़ा। इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन में हसबे ज़ायका नमक ऐड किया है, हसबे ज़ायका सुरख मिर्च का पाउडर ऐड किया है, आधा चम्मच नमक हल्दी ऐड की है और आधा चम्मच मैंने ज़ीरा ऐड किया है। अब मैं इसे पानी डाल के हल्की सी इसकी पेस्ट बना लूँगी। ब्रेड पकौड़ा के मिक्सर में हमने धनिया और सब्ज़ मिर्च जो है वो ऐड कर दी है। हम ऐड करेंगे ज़ीरा और साबुत धनिया। नमक ऐड करेंगे क्वार्टर टीस्पून, क्योंकि मैंने जो बेसन है इसमें भी ऐड किया था नमक, इसलिए नमक हम कम ही ऐड करेंगे। और हम ऐड करेंगे लाल मिर्च का पाउडर, ये भी हम ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, कम ही ऐड करेंगे। हल्दी ऐड करेंगे और हम ऐड करेंगे इसमें चाट मसाला, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे मिक्सचर को। ब्रेड पकौड़ा के लिए ब्रेड की जो एजेस हैं वो मैंने काट ली हैं, और जो एजेस हैं वो मैं संभाल के रख लेती हूँ ब्रेड क्रम्स बनाने के लिए। और अब इसमें हम इस तरह हम जो ब्रेड पकौड़ा की फिलिंग है हम सारी इसको अच्छी तरह से फिल कर देंगे, ब्रेड को ओवर नहीं करेंगे, बस इतनी करेंगे कि हमारा जो ब्रेड पकौड़ा है वो फिल हो जाए पूरा अच्छी तरह से। देखिए इस पे मैं सेकंड स्लाइस रख दूँगी, इसको अच्छी तरह से हम प्रेस कर देंगे। मेरे हाथ साफ़ हैं बिल्कुल, अच्छी तरह से हम इसको प्रेस कर देंगे दोनों साइड से। ज़्यादा दबा के नहीं करेंगे, ज़रा टूट जाएगा नहीं तो। ये देखिए अगर आप इसको हाफ़ करना चाहें तो उसको हाफ़ भी कर सकते हैं, ट्रायंगल की शेप में या इस शेप में भी आप काट सकते हैं, हम इसको हाफ़ कर लेंगे। तो हमने जो है बेसन का मिक्सचर वो हमने रेडी कर लिए, इसको इस तरह का होना चाहिए रनी फॉर्म में, ना ज़्यादा थिक्को और ना ज़्यादा थिन्नो, इस तरह का होना चाहिए। यहाँ पर सारे जो फिलिंग है वो ब्रेड में मैंने फिल कर ली है और मैंने इसको इस शेप में कट किया है, और एक को यूँ इस तरह शेप में कट किया है। यहाँ पे हमारा घी भी गर्म हो गया, इससे पहले मैंने फ्राइज जो है वो फ्राई की थी, इसलिए ये ऐसे ब्लैक ब्लैक सा हो गया है। हम इसमें डिप कर लेंगे अच्छी तरह से चारों तरफ से, बहुत आराम से। देखिए चारों तरफ से अच्छी तरह से हमने इसको बेसन से अच्छी तरह से कवर कर लिया है। इसमें हम बिस्मिल्लाह फ्राई कर लेंगे, और मेरे कैमरे की जो फ्लैश लाइट वो ऑन नहीं हो रही क्योंकि चार्जिंग जो है वो कम है बहुत ज़्यादा, इस वजह से चार्जिंग फ्लैश लाइट ऑन नहीं हो रही, ये कलर आपको इधर अच्छा नहीं लग रहा होगा। देखिए इस तरह से हमने इसको घी में फ्राई कर लेंगे दोनों तरफ से। देखिए यहाँ पे हमारे मज़ेदार से यमी ब्रेड पकौड़ा बनके तैयार हो चुके हैं। तो अगर आपको आज की मेरी ये छोटी सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। देखिए यहाँ पे मेरे मज़ेदार से क्रिस्पी झटपट ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो चुके हैं, जो कि जैसे आजकल बारिशों का सीज़न है, सर्दी है, शाम की चाय के साथ आप ये सर्व कर सकते हैं, कोल्ड ड्रिंक के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, गर्मियों में भी आप ये बना के खा सकते हैं। बहुत ही सिंपल और कम इंग्रेडिएंट से ये बन के तैयार हो गया है। तो अगर आपको ये पसंद आई है रेसिपी ब्रेड पकौड़ा की, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।